नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना के बाद असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा बागली के चापड़ा नगर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रावण दहन के बाद माताजी मंदिर चापड़ा चौराहे पर सामूहिक रूप से भजिया उत्सव का आयोजन भी होता है। प्रतिवर्ष होने वाले इस कार्यक्रम में पूरे नगर के लोग एक ही जगह एकत्रित होते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। यह अनूठी परंपरा बागली के चापड़ा नगर में नवदुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में मनाई जाती है। मंदिर समिति के द्वारा करीब 8 वर्षों से मंदिर प्रांगण पर भजिया उत्सव मनाया जाता है, जिसमें इस वर्ष करीब 7 क्विंटल भजिए बनाकर खिलाए गए। पूरे नगर के ग्रामीण एक ही जगह पर एक जाजम पर बैठकर भजिए का आनंद लेते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेकर एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। समिति अध्यक्ष नाथू सिंह सिंधव ने बताया कि नगर में कई गरीब परिवार हैं जो अपने इष्ट मित्रों को भजिए खिलाकर दशहरे का त्यौहार नहीं मना सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को एक जाजम पर लाकर सभी को एक साथ समिति के द्वारा भजिए खिलाए जाते हैं, जो कि एक अनूठी परंपरा है। ये भजिया उत्सव नवदुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में पिछले 8 वर्षों से सतत दशहरे के पावन अवसर पर पूरे नगर की ओर से यहाँ पर भजिया उत्सव का आयोजन होता है। ये एक अनूठी परंपरा यह मंदिर प्रांगण में होती है, जिसमें इस वर्ष 7 कुंटल के भजिए बनाए गए और पूरा नगर एक ही जगह एकत्रित होकर सभी ने यहीं पर भजिए खाए और सभी को दशहरे की बधाई दी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि पूरा नगर एक ही जगह एकत्रित हो जाए। कुछ गरीब परिवार के लोग रहते हैं जो गिलकी के भजे खिला नहीं पाते हैं अपने मित्रों को, इसलिए सब समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम सब मिलके यहाँ भजे बनाएं और पूरा नगर उसमें सम्मिलित हो और सम्मिलित होकर सब गरीब अमीर सभी भजे का लुत्फ उठाएँ। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी भजिया उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। एमपी न्यूज के लिए बागली से संवाददाता लोकेश राजपूत की रिपोर्ट।